नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं आज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। पहला प्रश्न मैंने दिया है, हाल ही में कहाँ पर 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो भाई ये किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किया गया है? 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? ठीक है, तो देखिए ये हैं श्रीकर प्रसाद जी। ठीक है, इनका जो है कि हाल ही में नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। अब क्यों किया गया, देखिए ये रीजन देख लेते हैं। तो दर्ज इसलिए हुआ है कि सबसे ज्यादा भाषाओं में फिल्मों को संपादित करने के लिए। ठीक है, अब कितनी भाषाएं सबसे ज्यादा का मतलब 17। ठीक है, 17 भाषाओं में इन्होंने फिल्मों को संपादित किया है। किसने? सीकर प्रसाद ने। ठीक, हाल ही में किसे राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजा रवि वर्मा पुरस्कार, तो देखिए ये हैं प्रोफेसर जे एस खंडे राव, ये चित्रकार हैं, और कलाकार हैं वासुदेव कामत। ठीक है, तो इन दो लोगों को जो है कि राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब नोट में देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह पुरस्कार कर्नाटक के श्री रवि वर्मा कला संस्थान द्वारा दिया जाता है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो V.S. येदियुरप्पा हैं, और राज्यपाल वहां के वजूभाई वाला हैं, राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु है, आप सभी को पता है ये चीजें। चलिए अगला प्रश्न है, वेनेजुएला में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए वेनेजुएला में किसे नियुक्त किया गया? भाई अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर ले वेनेजुएला की राजधानी, तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। क्या है? काराकस है। अब मुद्रा यहाँ की है पेट्रो बोलीवर सोबरानो। ठीक है, कहाँ की? वेनेजुएला की। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक ने किसके साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये है एयरलाइंस इंडिगो के साथ। ठीक है, किसके साथ? एयरलाइंस इंडिगो के साथ। किस बैंक ने? HDFC बैंक ने। अब देखिए HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में पड़ता है। ठीक है, और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? तो आदित्य पुरी है। कौन है? आदित्य पुरी है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष का शुरू हुआ? ठीक है, इंद्रधनुष, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि इंद्रधनुष किन दो देशों के बीच का संयुक्त वायुसेना अभ्यास है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच का है। अब देखिए ये अगर संस्करण की पूछा जाए तो ये 5वां संस्करण है और 24 फरवरी से शुरू हुआ था। अब किस राज्य में शुरू हुआ? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये है उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस को अलविदा कह दिया, अर्थात उन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। ठीक है, तो भाई संन्यास किसने ले लिया? ये है मारिया शारापोवा। ठीक, मारिया शारापोवा ने संन्यास ले लिया। ये 5 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत चुके हैं, तो ये काफी इनके लिए अच्छी उपलब्धि रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वसंतोत्सव, ठीक है, वसंत का उत्सव कह लीजिए, है ना, का आयोजन किया गया? तो भाई गुजरात के गांधीनगर में किया गया था वसंतोत्सव का उत्सव। अब बात करें गुजरात के मुख्यमंत्री तो विजय रूपाणी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, राजधानी गांधीनगर। देखिए ये चीजें रिपीटेड हो जाती हैं, क्यों? बिकॉज इसके माध्यम से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा गुजरात के CM, तुरंत आपको याद आ जाएगा, राज्यपाल तुरंत आपको याद हो जाएगा। इसलिए जब भी इस स्टेटों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको रख देता हूं मैं। हाल ही में कहां पर लोसर महोत्सव मनाया गया? लोसर, ठीक है, तो ये मनाया गया है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। अब भाई हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सिंपल ऐसे ही पूछा जा सकता है। कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? 32, 30, 2, 32 परियोजनाओं को। ठीक है, अब देखिए यह योजना अगस्त 2017 में शुरू की गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, 2017 में स्टार्ट की गई थी। देखिए अब यहाँ पे लास्ट में मैं आपके लिए प्रश्न दे रहा हूं, किस देश में किस देश ने होगा, ठीक है यहाँ पे ने होगा, किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बतख दल, क्या बतख दल भेजने की घोषणा की। आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान में टिड्डी आप जानते हैं ना, मतलब आप कैसे मैं बताऊं, ठीक, टिड्डी मोस्टली सभी लोग जानते होंगे। ठीक, तो ये जो है कि वहां पे पाकिस्तान में बहुत तबाही मचा रखी है ये टिड्डी दल। ठीक है, तो इनसे बचाने के लिए जो है कि बतख दल भेजा किसने, किस देश ने? तो आपके सामने ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, अमेरिका। ठीक है, तो इन चार ऑप्शनों में से जो भी आपको सही लगता है, जो भी सही लगता नहीं बल्कि जो सही हो, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ही इसका मैं उत्तर दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का मतलब नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा। फिलहाल आपके हिसाब से जो सही है आप आंसर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।